हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जीके जीएस। शिवशंकर जीके जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, कल वीडियो डाले थे बीएससी नर्सिंग के लिए कि कितना रैंक होना चाहिए। आज हम बात करेंगे बी फार्मा के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बी फार्मा का स्कोप होता है कि हमको अगर बीएससी नर्सिंग, जो ध्यान से समझ लो कि बीएससी नर्सिंग अगर हम नहीं कर पाए सर, मान लीजिए सर कि हमको बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं मिलता है, तो सर क्या बी फार्मा अगर कर ले तो बी फार्मा के लिए क्या हमको स्कोप जीवन में हो सकता है? तो पहले समझ लो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और हेमंती होम्योपैथी क्लिनिक भी कर देना, मेरा मेडिकल वाला चैनल भी। चलो सुन लो, तो बी फार्मा जो है, एक बाबू सुनो ना, बैचलर फार्मेसी क्या होता है, एकदम बढ़िया से दिल लगा के सुनो ना। अरे सुनो दिल लगा के, तो एकदम बढ़िया बात बताएंगे कि बी फार्मा का जिसका स्कोप है वो भविष्य में क्या कर सकता है, ठीक है ना। और दिल लगा के नहीं सुनेगा ना तो वो दिल लगावे पड़ जाएगा फिर रोड पर, ठीक है। वो जो गनमा गाता है, दिल ले गई पीआर की फराक वाली, दिल लेके चल जाएगा बी फार्मा वाली। चलो देखो, सुन लो इधर, तो ये बी फार्मा जो है, बैचलर फार्मेसी का कोर्स जो होता है 4 साल का होता है। एक एक बात समझिएगा, 4 साल का कोर्स होता है, हम बताएंगे कितना कट ऑफ चाहिए। 4 इयर्स का, यानी 4 साल का ही कोर्स होता है बाबू। कितने साल का कोर्स होता है? 4 साल का। बी फार्मा जो होता है, बी फार्मा बीसीसी के अंतर्गत आता है, और एक होता है डी फार्मा। एक एक बात समझना, एक होता है डी फार्मा, डी फार्मेसी जिसको बोलते हैं, और ये होता है 2 साल का। कितने साल का बाबू? 2 साल का होता है। अब ये 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी होता है, बैचलर फार्मेसी जो होता है, ये होता है 4 साल का, ये होता है 2 साल का। अब ये दोनों करने का फायदा यही है, ये वाला होता है पारा मेडिकल के अंतर्गत, पीएम के अंतर्गत, और ये होता है बीसीसी के अंतर्गत। तो जो स्टूडेंट बीसीसी का फॉर्म भरे, उनका रिजल्ट आया और वो चाहती है कि हमारा बी फार्मा हम करें, और बी फार्मा के बारे में उनको पता नहीं है कि आगे भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, तो सुन लो, बी फार्मा जो होता है 4 साल का फार्मेसी कोर्स होता है। इस फार्मेसी कोर्स में दवा का निर्माण विधि, दवा बनाने का तरीका जिसको कहते हैं, दवा में कितना केमिकल परसेंटेज होना चाहिए, क्वांटिटी, ये जिसको बोलते हैं कि कितना परसेंट अल्कोहल होना चाहिए, कितना परसेंट केमिकल होना चाहिए, कितना परसेंट पाउडर होना चाहिए, ये सब जो कंटेंट होता है उसके बारे में जानकारी बी फार्मा में होती है। और पूर्ण रूप से इसमें मेडिसिन का निर्माण के बारे में बताई जाती है कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, नया नया बीमारी है तो उसमें मेडिसिन को कैसे खोजा किया जाए, रिसर्च कैसे किया जाए, ये सारी प्रक्रम जो होती है बी फार्मा में होती है, ठीक है। लेकिन बी फार्मा अगर 4 साल का जब कोर्स आप कर लेते हैं, तो कोर्स करने के बाद, एकदम शॉर्ट में बताएंगे, कोर्स करने के बाद एक फॉर्म निकलती है, उस फॉर्म का नाम है डीआई, शॉर्ट में डीआई बोलते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर। क्या? ड्रग इंस्पेक्टर। अब ये 4 साल का ड्रग इंस्पेक्टर वही बन सकता है जो बी फार्मा 4 साल वाला कोर्स किया है। अगर आप बी फार्मा 4 साल वाला कोर्स किए हैं तो डी फार्म आपका ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकलेगा, तो भर सकते हैं आप, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये ड्रग इंस्पेक्टर वही होता है जो गांव घर में शहर में खोले हुए रहते, बिना डिग्री वाला डॉक्टर, छापेमारी करने वाला काम यही करता है, छापेमारी वगैरह करने का काम करता है ड्रग इंस्पेक्टर। देखता है बिना लाइसेंस के कौन खोले, कौन सा दवाई लेता है, जीएसटी भरता है कि नहीं भरता है, उसके पास ड्रग लेने का लाइसेंस है कि नहीं, बेचने का लाइसेंस, ये सारा काम डीआई वाले करते हैं। एंड बी फार्मा करने के बाद आप ये बन सकते हैं। अगर मान लीजिए बी फार्मा किए और जॉब ना लगा, मान लो जॉब ना लगा, जॉब लग जाती है, ऐसे बी फार्मा कीजिएगा ना तो 4 साल में, 4थे साल में ही आपको कैंपस सिलेक्शन हो जाती है, बड़ी बड़ी कंपनी आती है, मेडिसिन कंपनी आपको सालाना पैकेज देगी, आप हमारे यहाँ काम कीजिए आपको 1,00,000 पैकेज देंगे, इतना, ये इंजीनियरिंग के तहत जैसे होता है कैंपस सिलेक्शन, बिल्कुल ऐसा कैंपस सिलेक्शन इसमें होता है। अगर आप पैसे वाले हैं, आपका ज्यादा बजट है, तो आप खुद का एक मेडिसिन कंपनी भी बी फार्मा करने के बाद ओपन कर सकते हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेडिसिन का आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, ना जॉब लगा, ना किसी कंपनी में गए, और ना ही खुद का उतना पैसा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, तो नो टेंशन, ये करने के बाद एक बढ़िया सा मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, ये करने के बाद एक बढ़िया सा मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। समझ में बात? बढ़िया सा एकदम मेडिकल शॉप जो है आप खोल सकते हैं, कहीं भी शहर में जाकर के एक बढ़िया सा मेडिकल स्टोर आप
खोल सकते हैं, दवा वहां पे रख सकते हैं। समझ में आई बात? तो सुनो, बी फार्मा अगर करना है आपको तो बी फार्मा के लिए बीसीसी में जो कट ऑफ चाहिए, गुलजारबाग पटना में सीट है, और इसके लिए जो 60 सीटों के लिए जो चाहिए आपको डिसेबल कोटा के लिए रैंक चाहिए यूआर रैंक, तो अगर आप डिसेबल कोटा में तो आपको यूआर रैंक चाहिए 10,709 से लेकर के 16,321 के बीच, और कैटेगरी रैंक चाहिए 32 से 63। अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो आपका अगर यूआर रैंक 60 से 868 के बीच है और कैटेगरी रैंक भी 60 से 868 के बीच है तो आपको बी फार्मा में एडमिशन पटना में मिलेगा। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं और एसटी में आते हैं और आपका यूआर रैंक आ गया है 714 से 1785 के आसपास, उसके बीच में और कैटेगरी रैंक 2 से 12 के बीच में, तो आपको बी फार्मा में एडमिशन मिलेगा। अगर एससी रैंक आपका एसी कैटेगरी में आते हैं और यूआर रैंक एसी वालों को दे दिया 962 से 2711 के बीच में है और कैटेगरी रैंक 37 से 176 के बीच में है, तो बी फार्मा में एडमिशन मिलेगा। अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं और आपका यूआर रैंक दिया है 531 से 910 के बीच और कैटेगरी रैंक दिया है 247 से 421 के बीच, तो आपको बी फार्मा में एडमिशन मिलेगा। आगे आइए, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं और आपका यूआर रैंक 553 से 1238 के बीच है और कैटेगरी रैंक 130 से 289 के बीच है, तो आपको बी फार्मा मिलेगा एडमिशन। आरसीजी कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपका यूआर रैंक 644 से 949 और कैटेगरी 178 से 281 होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं और आपका यूआर रैंक आ गया 560 से 941 के बीच, तो बी फार्मा में एडमिशन मिलेगा और कैटेगरी रैंक आ गया 87 से 153। तो इतना कट ऑफ चाहिए आपको, इतना रैंक अगर आता है इतना इतना के बीच में, तो यहाँ आपका एडमिशन बी फार्मा में मिलेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, आप मिला लो यार अपना रैंक। लेकिन हाँ, अब जिनका कम आ रहा है या ज्यादा रहे कि इससे ज्यादा जा रहा है, अब उनको लग रहा है कि नहीं होगा, हड़बड़ाओ नहीं। काउंसलिंग जब होगा तो काउंसलिंग में आपको, काउंसलिंग में 50 रुपया लगेगा, आपको काउंसलिंग करवा लेना है, ठीक है, हड़बड़ा लक बाय चांस आपको मिल जाए, कौन जानेगा। अरे अंधेर घर में मुक्का मारने से बढ़िया काउंसलिंग तो करवा लोगे, शायद आपको कोई सीट मिल जाए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग तो है, नीट के तो थ्रू भी है। तो जो बीसीसी का फॉर्म भरा है बचवा, सुन लो, जो बीसीसी का फॉर्म भरा है वो बचवा तो नीट का भी तो फॉर्म भरा है। आए? अगर मान लो इसमें 300 सीट है तो हो सकता है कि जो जो लड़का बीसीसी भरा है वो नीट भी भरा है, या जो नीट भरा वो बीसीसी भी भरा है। अगर मान लो उस व्यक्ति जो बच्चा भर दिया है दोनों फॉर्म, वो व्यक्ति नीट वाला अगर चला जाए बीसीसी में, या बीसीसी वाला बच्चा जो है सब नीट के थ्रू एडमिशन ले ले बीएससी नर्सिंग में, तो आपका सीटवा भी तो बचेगा। तो लक बाय चांस आएगा कि नहीं आएगा, तो काउंसलिंग कराए में कहा जाता है 50 रुपया जाता है, तो एकरा में कहा चल गया, करवा लेना। चलो ठीक है ना, इस वीडियो को भी शेयर कर देना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।